नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मिश्रा अखिलेश यादव आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गोंडेश्वर मंदिर की यात्रा पर निकला हुआ हूं तो आज मैं आपको गोंडेश्वर मंदिर की पूर्ण यात्रा कराऊंगा और उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा और इस मंदिर के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इस मंदिर को कब और किसने बनाया था और इस मंदिर की खासियत क्या है गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य में नासिक ज़िले के सिन्नर तालुका में स्थित भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है भारत सरकार ने सन 1909 को ही इस मंदिर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो वास्तुकला का एक बहुत ही जबरदस्त एक भव्य एग्जाम्पल है इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव राजकाल में बनाया गया था इस मंदिर को यादव राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था यह मंदिर 125 सौ पच्चीस बाय पंचानबे फिट के एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है यह मंदिर पांच मंदिरों का एक समूह है इस मंदिर को शै पंचायत भी कहा जाता है गोंडेश्वर का जो सबसे मुख्य मंदिर है जो शिव मंदिर है जो मध्य में है और उसके चारों तरफ चारों साइड चारों कोनों पे पार्वती गणपति सूर्य और विष्णु के मंदिर हैं मंदिर में एक विश्राम मंडप भी है और एक घबार भी है गर्गुरी पर निर्मित मंदिर की आकाश खंडित चोटियाँ बहुत ही सुंदर है और उत्तम नक्काशी से सजी हुई हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हैं जबरदस्त अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपकी आंखें नहीं बंद होगी इस कला को देख के उस समय जो हमारे कारीगर थे इतनी सुंदर तरीके से अपनी कारीगरी करते थे जो कि आजकल मुझे तो इम्पॉसिबल ही लगता है गर्भगृह पे एक रैखिक शिवपिंड भी है जब इस शिवपिंड पे डायरेक्टली भगवान सूर्य की किरण पड़ती है तो एक अद्भुत नजारा होता है आपको आके इस अद्भुत नजारा का आनंद लेना चाहिए दोस्तों इस मंदिर की हर एक दीवार पर देवी देवताओं गंधर्वों अप्सराओं पुराणिक और रामायण की सारी घटनाओं को दर्शाया गया है तो प्लीज आप दोस्तों इस मंदिर की यात्रा करें और हमारे पुराने जमाने में जो हमारे कारीगर थे उनकी जो हस्त शैली थी उसे देखें उस चीज़ का आनंद लें दोस्तों जब इस मंदिर पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक अलग ही अट्रैक्शन आता है दोस्तों कई भक्त इस मंदिर पर रथ सप्तमी के अवसर पर आते हैं और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों बारहवीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिणी शैली में निर्मित सिन्नर में प्राचीन गोंडेश्वर मंदिर वास्तुकला का एक बेहतरीन अद्भुत नमूना है दोस्तों इस मंदिर का निर्माण यादव राजकुमार राजगोविंद ने कराया था आमतौर पर दक्षिण के पठारों पर बने मंदिर काले पत्थरों के बने होते हैं इस कारण से वो काले दिखते हैं लेकिन यह गोंडेश्वर मंदिर गुलाबी वेसिकुलर चट्टानों से बना हुआ है इस कारण से यह मंदिर गुलाबी रंग का दिखता है सो मेरे भाई और बहनों आप सभी को इस मंदिर की यात्रा ज़रूर करना चाहिए अगर आप मुंबई में हैं और शिरडी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नासिक रोड उतर के आप इस मंदिर की तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से पहुंच सकते हैं या अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सिन्नर में किसी से भी पूछ काफ़ी आसान तरीके से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं थैंक यू सो तो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो